हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360। जी हाँ साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल की सीरीज में। साथियों हम बता दें, इस चैनल की सीरीज के माध्यम से हम आपको लगातार डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर की लगातार अपडेट लाते रहे हैं। और इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर की कट ऑफ क्या जाने वाली है, इसे हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो साथियों, इसका फॉर्म कब स्टार्ट हुआ था? 14/12/2019 को स्टार्ट हुआ था रजिस्ट्रेशन। और फिर क्या नाम है कि इन्होंने लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का इन्होंने रखा था 13/1/2020। और फिर हम बता दें साथियों कि जो इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर की जो पोस्ट है वो RE16 के नाम से दे रखा है इन्होंने। और इन्होंने दिया क्या है कि 101 सीट टोटल क्या कि RE इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर जो ITI इलेक्ट्रीशियन और NCVT से क्या कि जो रिलेटेड हैं उनके लिए ये क्या है कि कट ऑफ और वीडियो बनाई जा रही है इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर के लिए, जिनकी पोस्ट कितनी है 101 पोस्ट इन्होंने दे रखा है। फिर इन्होंने, मैं बता दूं कि परीक्षाओं और अपने साथियों के मैंने बार बार पूछा फ़ोन करके, कॉल से, मैसेज से पता लगा कि क्या क्या कि उन्होंने कैसे क्वेश्चन किया, क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं बता दूँ आपको कि DMRC इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर जो RE16 2018 की कट ऑफ क्या थी कि उस समय 301 सीटें थी, 300 या 301 की सीट थी। तो मैं बता दूं वहाँ की कट ऑफ क्या गई रही, वहाँ पे गई रही थी अनरिजर्व की क्या कि 63 नंबर गई थी, OBC का 61 गया था, SC का 75 गया, 57 गया था, ST का 59 दिया गया था। और वहीं एक सर्विस मैन जो थे उनके कट ऑफ कुछ कम ही गए थे, 40 के लगभग में, 31 के, 39 और 32 के में गए थे। और मैं बता दूँ इनमें कैंडिडेट कितने अप्लाई किए थे, इसमें मैं बता दूं कैंडिडेट आपके अप्लाई किए गए थे कितने। तो इसमें 110,351 लोगों ने अप्लाई किया था। बट मैं बता दूं आपको कि इसमें अपीयर CBT एग्जाम में कितने लोग बैठे थे, 76,739 लोग बैठे थे, 76,000 के करीब लोगों ने बैठा था। जिसकी कट ऑफ ये रही 2018 वाले की जो वैकेंसी थी इनकी ये कट ऑफ रही जो हमने आपको बताया। बट मैं बता दूँ कि जो हमारे पेपर इस समय हुए 2020 का जो क्या कि पेपर जो हुआ है वो मैं बता दूँ 120 नंबर का पूरा क्या कि क्वेश्चन था, 120 नंबर और 90 मिनट का क्वेश्चन था। तो साथियों मैं बता दूँ इसमें मैंने एनालिसिस किया कई लोगों से, क्या कि पूछा जाता कि कैसे क्वेश्चन थे, किस टाइप के प्रश्न थे, क्या मतलब उन अपने साथियों से किस लोगों से मैसेज भी हमें मिला कि क्या प्रक्रिया थी क्या नहीं थी। तो मैं बताया मुझे वहाँ से कुछ अनुमानित है हम लोगों ने क्या कि अप्रोक्स हमने कट ऑफ बनाया अपने तरफ से कि देखा हमने कि जो अनरिजर्व की जो 120 में से जो जाने वाली है अनरिजर्व की क्या कि कट ऑफ वो 75 से 80 नंबर जाने वाली है, OBC का 70 से 75 नंबर और EWS का 68 से 72 नंबर और SC का हमारा जो है 66 से 70 नंबर कट ऑफ जाने वाली है इस साल 2020 की। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी जो भी अपडेट रहेगा DMRC इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस से संबंधित हम आपको ज़रूर लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और फिर मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में।